गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में जो है हम हमारा एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बिजनेस एक्टिविटीज़, जिसके अंदर हमने देखा था कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है, एक तो इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। फिर हम इंडस्ट्री के बारे में तो पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, फिर हमने देखा था कॉमर्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, पहला ट्रेड, दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब जो इसके अंदर जो कॉमर्स का मतलब है वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, अराउंड हमारी 25 मिनट की जो वीडियो थी उसके अंदर हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि कॉमर्स के जो दो पार्ट हैं जिसके बारे में हमने सुना था, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे हमें थोड़ा बहुत तो मालूम है कि ट्रेड क्या होते हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होते हैं, लेकिन आज इनके बारे में जो है हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं पहले हम ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का मतलब आप सब जानते हैं, ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज नोन एज ट्रेड। ठीक है, ट्रेड क्या करता है, ट्रेड हमारी मदद करता है किस में, ट्रेड हमारी मदद करता है एक प्रोड्यूसर से माल खरीद कर अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँचाने में। दीज डेज गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल एंड इट डिफरेंट एंड इट डिफ़िकल्ट फॉर प्रोड्यूसर्स टू देमसेल्फ रीच टू इंडिविजुअल बायर्स फॉर सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट। बिजनेस आर एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज एज मिडलमैन टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट। आप सब जानते हैं कि जैसे कि हमने देखा था कि ट्रेड जो है एक मदद करता है हमारी प्रोड्यूसर से माल खरीद कर अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँचाने में, ट्रेड हमारी मदद करता है। और आप ये भी जानते हैं कि आजकल के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने की वजह से उनके प्रोड्यूसर्स जो उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट का काम हो जाता है कि वो हर एक इंडिविजुअल तक अपने जो भी हैं गुड्स और सर्विस जो है वो प्रोवाइड करा पाए। तो इसीलिए क्या होता है कि बिजनेस मैन आर एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, इसलिए कि बिजनेस मैन जो है आजकल वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल हो चुके हैं एज ए मिडल मैन, यानी मध्यस्थ के तौर पर जो हमारी मदद करते हैं प्रोड्यूसर से सामान खरीद कर अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँचाने में। ठीक है, अब ट्रेड जो है उसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रखा है, पहला जो है वो इंटरनल ट्रेड है और दूसरा जो है वो है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। अब ये इंटरनल ट्रेड क्या होता है और ये एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है। इंटरनल ट्रेड का मतलब हमारी जो मान लो कंट्री है इंडिया, जब आप अपनी कंट्री की जो भी बाउंड्रीज़ हैं, अब उस बाउंड्रीज़ के अंदर ही आप गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदने और बेचने का काम करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब अंदर ही, कहाँ पर अंदर, देश के अंदर ही, देश के अंदर ही आप जब गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदने का या बेचने का काम करते हैं उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। आगे चल के इंटरनल ट्रेड भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, होलसेल और रिटेल, उसको हम बाद में देखेंगे फिर कभी। उसके बाद जो दूसरा जो है वो है हमारा एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड का मतलब देश के अंदर, एक्सटर्नल का मतलब बाहर, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री से जब आप कोई सामान को ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो वो कहाँ पर आता है हमारा, वो एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर आता है। एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन, इसको फॉरेन ट्रेड के नाम से भी कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन वन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन टू और मोर कंट्रीज, एक या दो से ज़्यादा देश के अंदर जो भी पर्सन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी बीच में लेन देन करती हैं उसको क्या कहते हैं, हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। इफ द गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, अगर जब आप गुड्स को अनदर कंट्री से ख़रीदते हैं तो इसको क्या कहते हैं, हम इम्पोर्ट ट्रेड कहते हैं। उसी तरीके से जब आप गुड्स को भेजते हो किसी दूसरी कंट्री के अंदर तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब तो आप जानते हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली जो है हमें सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। सपोर्ट सर्विस से मतलब ये हमारी मदद करते हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड किस में मदद करते हैं, सामान को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में। अभी ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं ये हम पहले देख चुके हैं। ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर एक्टिविटीज़ आती हैं ट्रांसपोर्ट की, बैंकिंग, फाइनेंस की, इंश्योरेंस की, वेयर हाउसिंग की और एडवर्टाइजमेंट की। अब एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर आपके जो है सामान को भेजना, वो ट्रांसपोर्ट के अंदर होता है। देखो प्रोडक्शन ऑफ जनरली टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन, देखो ज़्यादातर जो भी प्रोडक्शन है वो एक जगह पर किया जाता है। ठीक है,
अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर टी जो है वो मेनली कहाँ प्रोड्यूस होती है, आसाम के अंदर प्रोड्यूस होती है, और कॉटन जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, गुजरात में और महाराष्ट्र में, और शुगर जो है ज़्यादातर कहाँ प्रोड्यूस होती है, यूपी बिहार में और महाराष्ट्र में, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, लेकिन तीन बहुत हैं। तो अब ज़रूरी नहीं जैसे कि चाय आसाम में पैदा होती है तो ये थोड़ी है कि सारी की सारी चाय जो है वो आसाम के अंदर ही यूज़ होती है, और भी दूसरे स्टेट है वहाँ पर भी चाय का यूज़ होता है। उसी तरीके से जो कॉटन है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, गुजरात और महाराष्ट्र में, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी कि यूज़ भी गुजरात महाराष्ट्र में होता है, पूरे देश में होता है। शुगर भी जो है वो क्या होती है, जैसे कि यूपी और बिहार में और महाराष्ट्र में प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी कि वो सारी यूपी बिहार और महाराष्ट्र में यूज़ की जाती है, वो भी पूरी कंट्री में अंदर यूज़ की जाती है और कंट्री के बाहर भी यूज़ होती है। बट दीज गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन इन गुड्स की जो ज़रूरत है वो अलग अलग कंट्री के हर पार्ट में पड़ती रहती है। द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस, अब जो प्लेस की जो परेशानी है, जैसे कि प्रोड्यूस तो आसाम में होती है लेकिन पूरे देश में उसकी ज़रूरत है, तो दूसरे देश के कोने कोने में इसकी ज़रूरत है, तो देश के कोने कोने तक अब चाय पहुँचानी है ना, अलग अलग प्लेसेस पर पहुँचानी है, तो ये अलग अलग प्लेसेस पर पहुँचाने में जो भी परेशानियाँ होती है हमारी, उन परेशानियों को कौन दूर करता है, उन परेशानियों को दूर करता है हमारा ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, हम रोड के थ्रू भी भेज देते हैं, रेल के थ्रू भी भेज देते हैं, या फिर शिपिंग के थ्रू भी भेज देते हैं। तो ये तो गई हमारी ट्रांसपोर्ट की बात। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, हमारा एक जगह से दूसरी जगह हमारे सामान को पहुँचाने में हमारी मदद करता है। उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हमें कम्युनिकेशन की भी फैसिलिटी पड़ती है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट भी तो करना पड़ता है दूसरे लोगों से, ऑर्डर वगैरह देने भी तो पड़ते हैं ना, प्रोड्यूसर से भी कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, ट्रेडर से भी कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, और कंज्यूमर से भी कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह एक्सचेंज करनी पड़ती है। तो वो किसके थ्रू होता है, वो हमारा कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी जो है वो है हमारी बैंकिंग और फाइनेंस। अब बैंकिंग और फाइनेंस तो अभी पढ़ा था कि एक बिजनेसमैन जो होता है उसको बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए, रॉ मटेरियल को ख़रीदने के लिए, एसेट वगैरह को ख़रीदने के लिए, बिल्डिंग वगैरह को ख़रीदने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो उस पैसों की ज़रूरतों को कौन पूरा करता है, उस पैसे की ज़रूरतों को उसकी बैंक पूरी करता है। अब पढ़ लेते हैं इसके अंदर, देखो क्या लिखा, बिजनेस एक्टिविटी कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड मीटिंग अदर एक्सपेंस। बिजनेस जो एक्टिविटी है उसको हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास क्या ना हो, फंड्स अवेलेबल ना हो। फंड्स यानी जब तक कि हमारे पास पैसा अवेलेबल ना हो। और पैसा किस किस के लिए चाहिए होता है हमें, एसेट वगैरह को ख़रीदने के लिए। एसेट का मतलब क्या है यहाँ पर, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए। और किसके लिए, रॉ मटेरियल को ख़रीदने के लिए भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल वगैरह भी तो ख़रीदना पड़ता है ना हमें, फिनिश गुड्स बनाने आगे चलकर, और भी बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं। तो उन सभी खर्चों के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है। नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑप्टेड बाय बिजनेसमैन फ्रॉम अ बैंक। अभी जो पैसों की जो ज़रूरत पड़ती है उसको, ये पैसा कहाँ से मिलता है, उसको बैंक से मिलता है। इसलिए बैंक क्या करता है, बैंक एक बिजनेसमैन की मदद करता है फाइनेंस की प्रॉब्लम से निकलने में। अगला जो है वो है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब हम सब जानते हैं, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस का मतलब आगे देख चुके हैं। इंश्योरेंस क्या करता है, हमें रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। अब बिजनेस के अंदर बहुत तरीके के रिस्क होते हैं, ठीक है, फैक्ट्री में, बिल्डिंग में, मशीन, फर्नीचर एक्सेट्रा मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क। अब जो हमारा मटेरियल होता है, या हमारे, या फैक्ट्री के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, या मशीन फर्नीचर मस्ट बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क। उनसे हमें फैक्ट्री में भी हमें डर रहता है कि फैक्ट्री में आग ना लग जाए, अगर आग लग गई तो हमें बहुत नुकसान होगा। ये ऑफिस के बिल्डिंग के अंदर आग लग गई तो उसके अंदर भी हमारा फर्नीचर वगैरह बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। अगर मशीन हमारी ख़राब हो गई, चोरी हो गई, या आग लग गई, तो मशीन के साथ भी अगर कुछ हो गया ऐसा हरकत, तो हमारी मशीन का भी हमें नुकसान होगा। या फर्नीचर वगैरह जो भी ऑफिस का या फैक्ट्री का, उसके अंदर आग लग गई तो उससे भी हमें नुकसान होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन सभी जो हमारे रिस्क है, इन सभी रिस्क से हमें अपने आप को क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करके चलना पड़ता है। अब ये तो रिस्क है, इसके साथ साथ मटेरियल एंड गुड्स, जो भी हमने सामान वगैरह बनाए हैं, जो भी रॉ मटेरियल है, उसका भी डर रहता है। एक तो वो रॉ मटेरियल या फिर वो गुड्स जो हमारा फैक्ट्री के अंदर पड़ा हुआ है, या हमने, हो सकता है कि गुड्स जो है वो दूसरे बेचने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिए दूसरी स्टेटों के अंदर। जैसे हमारा मोबाइल बन के तैयार हो गया और हमने भेज दिया, अब उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये माल जो है जयपुर भिजवा रहे हैं हम,
बेचने के लिए। अब जब आपका सामान ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब जयपुर जा रहा है रास्ते के अंदर, उसको हम बोलते हैं वैसे तो स्टॉक इन ट्रांसिट, ठीक है। अब जब रास्ते में आपका सामान जा रहा है तो इस बात का भी डर होता है कहीं एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया तो हमारा सामान जो है वो टूट जाएगा, फूट जाएगा, या फिर रास्ते में से चोरी हो गया तो उसकी वजह से भी हमें जो है वो नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ एम्प्लॉइज़ का भी कंपनी को क्या करा के चलना पड़ता है, इंश्योरेंस वगैरह भी करा के चलना पड़ता है, ताकि काम करते वक्त अगर किसी एम्प्लॉइज़ की चोट वगैरह लग गई जिससे उसके काम करने की कैपेसिटी कम हो गई तो उसका भी रिस्क होता है, ठीक है। तो इन सभी रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कराते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। ये कंपनी जो होती है वो इंश्योरेंस करा के चलती है इन सभी रिस्क से बचने के लिए। अब इंश्योरेंस जब हम कराते हैं तो इंश्योरेंस कराते दौरान आपने देखा होगा कि हमें इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ता है, हर साल बोल लो या हर महीने के बेसिस पर, या हर साल के बेसिस पर जो है हमें इंश्योरेंस कंपनी को उस प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ता है। और बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमसे वादा करती है कि अगर आपको इनमें से कोई भी नुकसान होता है आगे चलकर तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके उस नुकसान की जो है वो भरपाई करके दें। तो रिस्क से हमें, रिस्क का जो भी हिंड्रेंसेस है, रिस्क के हिंड्रेंसेस को कौन प्रोटेक्ट कर लेता है, इंश्योरेंस प्रोटेक्ट कर लेता है। उसके बाद अगला जो है वो है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के अंदर क्या आता है, देखो जब गुड्स आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली व्हेन दीज आर प्रोड्यूस्ड, जिस समय हमने सामान बनाया उस समय उसको कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं होता, उसको हाथों हाथ कंज्यूम कर लेंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं, तो क्या लगता है कुछ समय लगता है। यूजुअली देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, एक समय हो दोनों के बीच में, प्रोडक्शन के बीच में और जो सामान बनाया उसको कंज्यूम करने के बीच में जो होता है एक समय होता है, ठीक है, एक महीने का, दो महीने का, तीन महीने का, कुछ ना कुछ समय होता है। अब उस समय के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है ताकि हम हमारे जो भी सामान जिसको हमने बनाकर तैयार करा उसको हम क्या कर लें, स्टोर करके रख लें, ताकि ये जो सामान है हमारा किसी भी तरीके के जो लॉस है उनसे बच सके और हमारा जो सामान है एकदम फ्रेश रहे। वेयर हाउसिंग क्या करता है, वेयर हाउसिंग हेल्प करता है एक बिजनेसमैन की स्टोरेज की प्रॉब्लम से बचने के लिए, स्टोरेज की इसकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है वेयर हाउसिंग। अगला जो है हमारा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसकी वजह, जिसके थ्रू आप अपनी सेल को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट आजकल जो एक कंपनी होती है ना, आजकल एक कंपनी होती है, ज़्यादातर जो खर्चा होता है उनका वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह पर ही होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं सब ज़्यादातर पैसा अपने अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं प्रमोट करने में लगा देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रचार हो उनके सामान का, ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रोडक्ट का जब प्रमोट होगा मार्केट में, वो कहावत है ना जो दिखता है वही बिकता है, तो जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट दिखेगा मार्केट में उतना ही ज़्यादा आपका जो प्रोडक्ट जो है वो दिखेगा। पर्टिकुलरली कंज्यूमर गुड्स ज़्यादातर जो हैं इनमें एडवर्टाइजमेंट के केस में हमें देखा होगा ज़्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है वो कंज्यूमर गुड्स का किया जाता है, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स का मतलब वो गुड्स जिसको कंजम्पशन के इरादे से ख़रीदा जाता है, जिसको यूज़ करने के इरादे से लिया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक के सामान हो गए, ऑटोमोबाइल के गुड्स हो गए, सॉप्स वगैरह हो गए, डिटर्जेंट वगैरह हो गए एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ दीज गुड्स आर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाइड बाई नंबर्स फ्रॉम। अब इन गुड्स को बहुत सारी फर्म्स जो होती है वो बनाती भी हैं और इनको बाज़ार में सप्लाई भी करती है। अब वो फर्म्स छोटी भी होती हैं कुछ फर्म्स, और कुछ फर्म्स जो है बड़ी भी होती है। इट इज़ प्रैक्टिकली भी इम्पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर टू कॉन्टेक्ट ईच एंड एवरी कंज्यूमर। अब वो प्रोड्यूसर जो होते हैं, जैसा कि हमने आगे देखा था, अब प्रोड्यूसर के लिए बहुत मुश्किल है कि वो हर कंज्यूमर को जा जा के अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए और उनको ख़रीदने के लिए मोटिवेट कर सके, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो उसकी ये परेशानी कौन दूर करती है, उसकी ये परेशानी जो है वो एडवर्टाइजमेंट दूर करती है। अब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, देश के कोने कोने में जो भी प्रोड्यूस, जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, उन कंज्यूमर्स को हम क्या देते हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि वो क्या करें, वो इस एडवर्टाइजमेंट को देख कर अपने लिए डिसीजन लें कि वेदर दे वॉन्ट टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट और नॉट। और एडवर्टाइजमेंट जो है बेसिकली उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको इंड्यूस्ड करने के लिए दिया जाता है, उनको एनकरेज करने के लिए दिया जाता है, ताकि वो आपका सामान जो है वो खरीदें, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। इसके अंदर हमने देखा, पहले तो ट्रेड के बारे में पढ़ा, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है और अलग अलग
ठीक है, वो भी हमने देखा। फिर आगे देखा था कि ट्रेड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल देश के अंदर जो भी आप सामान खरीद रहे बेच रहे हो उसको इंटरनल ट्रेड कहते हैं, देश के बाहर जो भी आप सामान को खरीद के बेचते हो उसको एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। उसके बाद देखा हमने एक्सोलेटरी टू ट्रेड क्या होते हैं। एक्सोलेटरी टू ट्रेड बेसिकली क्या होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं ट्रेड करने में, सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, यानी हमारा सपोर्ट करते हैं हमारा जो भी सामान हमने बनाया उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँचाने में। अब ट्रेड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है जो हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए हमारे सामान जो है कंज्यूमर तक पहुंचाने में हमारी मदद करती हैं। उसके अंदर पहला था ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में मदद करता है। कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम ऑर्डर्स वगैरह लेना पड़ते हैं आगे से, तो हमें कम्युनिकेट भी करना पड़ता है आगे के लोगों से। उसके बाद बैंकिंग हमारी पैसों की मदद को या पैसों से मदद करती है बिजनेसमैन को अपने खर्चे वगैरह पूरा करने के लिए, एसेट वगैरह खरीदने के लिए। उसके बाद इंश्योरेंस देखा था जो हमें रिस्क से बचाती है, कोई भी जलने का, टूटने का, फूटने का, चोरी का जो भी रिस्क होता है हमारा, या एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई रिस्क होते हैं, मान लो एम्प्लॉयज़ को काम करते दौरान कोई चोट वगैरह लग जाती है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन ने अगर उस एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करवा रखा तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाते हैं, नहीं करवा रखा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को उसको पैसा देना पड़ता है। तो ये भी एक तरीके का रिस्क होता है क्योंकि इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन के पैसे चले जाते हैं कई बार, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है पैसों की कमी पड़ जाए या नुकसान हो जाए एक तरीके का। तो इस ऐसे नुकसानों से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या कराती है, इंश्योरेंस करा के चलती है। उसके बाद वेयर हाउसिंग में देखा हमने क्या सामान बनाते हैं, उसके बाद उसको बिकने में थोड़ा बहुत समय लगता है, तो जब तक वो सामान नहीं बिकता तो हम उसको कहाँ रखते हैं, गोदामों में रख के चलते हैं। उसके बाद लास्ट हमने देखा था एडवर्टाइजमेंट में देखा था कि एडवर्टाइजमेंट आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके थ्रू हम हमारी सेल को बढ़ा सकते हैं। सेल को बढ़ाने में एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मदद करता है क्योंकि जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और आजकल की जो कंपनियां हैं ज़्यादातर जो है एडवर्टाइजमेंट पर ही पैसा खर्च करती हैं। अब एडवर्टाइजमेंट जो है ख़ासतौर पर कंज्यूमेबल गुड्स के केस में ज़रूर किया जाता है। कंज्यूमर गुड्स का मतलब वो गुड्स जिसको हम यूज़ करने के इरादे से ख़रीदते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम हो गए, ऑटोमोबाइल्स का आइटम हो गए, सॉप, डिटर्जेंट वगैरह, ये कुछ कंज्यूमर गुड्स के एग्जांपल हैं। अब इन गुड्स को जो है बहुत सारी कंपनियां आजकल बनाती हैं, कुछ कंपनियां इनमें से छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। अब ये हर कंपनी के प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक एक घर कंज्यूमर के घर पर जाए और वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए, तो उसकी ये परेशानी जो दूर करती है वो कौन सी, इसकी ये परेशानी दूर करने का काम जो करती है उसको कहते हैं हम क्या, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंज्यूमर देश के कोने कोने के कंज्यूमर तक, अब एक प्रोड्यूसर जो होता है देश के कोने कोने में जो भी कंज्यूमर्स है उन कंज्यूमर्स तक अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है और उनको जो है वो इंड्यूस करता है उसके गुड्स को खरीदने के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब इसका एक लास्ट टॉपिक रहेगा जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करें।